नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर के आदरताल थाना क्षेत्र अंतर्गत लाइफलाइन हॉस्पिटल में उस समय हंगामा की स्थिति मच गई जब एक महिला अपने पति को दूसरी महिला के साथ देखकर आग बबूला हो गई, जिसके चलते दोनों पक्षों पर विवाद हो गया, जहां अस्पताल के कर्मचारियों ने महिला के साथ मारपीट कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जहां पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत आदरताल थाने में दर्ज कराई, जहां पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए मामला जांच में लिया है। जहां थाने पहुंची महिला ने जानकारी देते हुए बताया है कि वह पनागर थाना क्षेत्र की निवासी है और उसका पति एक साल से किसी महिला के साथ अवैध संबंध होने के कारण उसे परेशान कर रहा है, जिसके चलते वह पिछले एक महीने से अपने घर नहीं आ रहा था। वह अपने पति को अस्पताल में मिलने के लिए आई हुई थी। अस्पताल वालों ने उसके पति के ना होने का दावा किया, लेकिन महिला की जांच करने पर पति वहीं पाया गया। अस्पताल वालों ने पति को बचाने के लिए पूरा प्रयास किया और हंगामा किया, जहां महिला के साथ हुई मारपीट के चलते पुलिस ने अस्पताल की और पति के खिलाफ मामला दर्ज किया। हॉस्पिटल का पुलिस पूरी कोशिश कर रही है मामले को दबाने की। महिला ने शासन से गुहार लगाई है कि यदि शासन ने उसका साथ नहीं दिया तो वह आत्महत्या कर लेगी और उसका जिम्मेदार शासन होगा। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। जी बताएं, कहां से आए और क्या शिकायत है? पनागा से आए हैं। शिकायत ये है कि मेरा आदमी बहुत परेशान किया है और दूसरी औरत के साथ वो कर रहा है, गंदी हरकतें कर रहा है और उसके साथ रहता हैगा और घर नहीं आता है। एक महीने से होगा घर नहीं आ रहा है और मैं कह रहा दिन रात हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहा हूँ और कहीं यहाँ वहाँ घूमता रहता है और मेरा बच्चा है एक छोटा सा और न उसको फ़ोन करके पूछता न कुछ करता न देखता है। और घर वालों ने हमको कल खूब मारा पीटा हैगा अकेले समझ के और देवर लोग ने भी मारा है, तब खूब मारे हैं देवर लोग। आज हम हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल वालों ने भी हमको मारा, जूता चप्पल से मारा हॉस्पिटल वालों ने, लाइफलाइन हॉस्पिटल में। और डंडा लेके सर पूछा तो उनसे कि कहाँ है हमारा मिस्टर, तो बोलते नहीं है चला गया है, झूठ बोल दिए। और फिर उन्होंने डंडा लेके हम लोग ने देखा तो फिर हम लोगों बाहर निकाल लिए तो बाहर नहीं निकले और फिर उन लोग ने जूता चप्पल से मारने लगे और डंडा लेके सर ने मारा हम लोग को, खूब सर वो हॉस्पिटल वालों ने और सब जितने रहे उन लोग ने भी मारा है। पति दीपक विश्वकर्मा नाम है। आपके कहाँ रहते हैं आप? हम पनागर में रहते हैं। आपका नाम? दहेज की भी मांगते हैं, दहेज की मांग करते हैं, दहेज नहीं देते आएंगे तो पूरा दहेज दिया है हम लोग ने, पूरा जितना मांगे हैं वो पूरा दहेज दिया है। और हमको बोलते हैं कि तुम 10 लाख लेके आओ अपने घर से, नहीं लेके आओगी तो अपनी किडनी बेच दो और नहीं तो हम यही सब करेंगे, मारा पीटी करेंगे। और वो औरत हमसे मारा पीटी करवाती अपने पति को, हमारे पति से बोलती तुम उसको मारो पीटो और परेशान करो खूब करो। महिला उस औरत का नाम है रेशमा, वो रहने वाली है, फूटा टाल की है। बताती है मेरा नाम सविता है। शिकायत लेके आए हैं आधारताल थाने। पति पत्नी के रूप में बीच में सामान्य व्यवहार था, दोनों थाने उपस्थित हुए थे और दोनों की सामान्य शिकायत थी, दोनों पे NCR दर्ज की। कहाँ के रहने वाले हैं? इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।